हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल सृष्टि किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पालक की पकौड़ी। उसके लिए मैंने पालक को कट कर लिया है, हरी धनिया, लहसुन, अदरक, मिर्ची, बेसन, पालक को मैंने पहले से कट कर लिया था। सबसे पहले हम इसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची इसको अच्छे से कूटेंगे। उसके बाद इसको हम पालक में मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, उसके बाद हरी धनिया डालेंगे, अदरक, लहसुन, मिर्ची जिसको मैंने कूटा था उसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन आपको उतना ही डालना है जितने में अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो सबको बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब चल रहे हैं इसको फ्राई करने। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे कर दिया है। एक एक करके इसमें हम पकौड़ियाँ बनाएंगे, छोटी बड़ी आप जिस हिसाब से बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आप बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसको हम उस साइड भी पलट देंगे जिससे हर साइड अच्छे से हमारी पकौड़ी फ्राई हो जाए। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। तो बहुत कम इंग्रेडिएंट में बहुत ही अच्छी हमारी पकौड़ी बन के तैयार हो जाती है। आप इसको इस मेथड से एक बार ट्राई जरूर करना, आपको पालक की पकौड़ी बहुत पसंद आएगी। तो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकालेंगे। आप इसको तीखी चटनी, मीठी चटनी किसी के भी साथ खाएं, आपको ये पकौड़ी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।